नमस्कार दोस्तों, निर्मला की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके साथ मावा पराठा की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, मावा पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और साथ ही इसे बनाने में भी बहुत कम वक्त लगता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से हम इसे बना सकते हैं। किसी भी विशेष त्यौहार पे या जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। उसके पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। मावा पराठा बनाने के लिए हमने 250 ग्राम मावा लिया है। ये फ्रेश मावा है और इसको हमने पैन में धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए भून लिया है। और हल्का सा भूनने के बाद कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल लिए हैं और आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल लिया है। आप चाहें तो नारियल और इलायची डाल सकते हैं और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मावा हमारा भून करके तैयार हो गया है। इसको हम एक प्लेट में निकाल देते हैं ठंडा होने के लिए। जब तक मावा ठंडा होता है हम आटा गूंथ लेते हैं। 2 कटोरी आटा लिया है और 2 चम्मच ऑयल डाल लिया है और थोड़ा सा ऑयल और डाल लिया है, आधा चम्मच। और अब हम आटा में मोयन को बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के मलेंगे और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम एक सॉफ्ट डो गूंथ के तैयार कर लेंगे। और अब हमारा मावा भी ठंडा हो चुका है और हम 250 ग्राम चीनी ग्राइंडर में बारीक पीस लेते हैं। इसमें मावा पराठा में थोड़ा मीठा अच्छा से रहता है, तभी बढ़िया लगता है। पराठा बनाने के लिए हमने एक लोई ले ली है और हमें ध्यान रखना है कि हमें जो चपाती बनाने के लिए लोइयाँ लेते हैं उससे हमें थोड़ा डबल साइज की ही लोई लेनी है, क्योंकि इसमें हमें मावा को भरना भी है। तो हाँ, थोड़ा सा हमें बड़ी लोई रहेगी तो फिलिंग भरने में और बेलने में आसानी रहेगी, ये फूटेगा नहीं। और हमें अंगूठे और हथेली की मदद से एक कटोरी की तरह बना लेना है और उसमें हमें मावा डालना है। हम यहाँ पे चीनी मावा में अलग से डालेंगे। जब हम एक पराठा बनाएंगे तो ऊपर से हम मावा डाल के फिर उस पर चीनी भी डाल लेंगे। या तो आप ये भी कर सकते हैं कि 1-2 पराठे बनाने के लिए आप मावा में थोड़ा सा चीनी मिला लें और फिर उसको बनाएं। एक साथ हम मावा में अगर चीनी मिलाते हैं तो हमारा मावा पिघलने लगेगा और पराठा बनाने में हमें मुश्किल होगी। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि इस तरह से हमने लोइयां बना ली हैं और इसे हल्के हाथों से हमें बेलना है। हल्के हाथों से बेलते हुए हमने पराठा बना लिया है और एक तवा रख दिया है हमने गैस पर। तवा हमारा गर्म हो जाता है तो पराठा हम इस पर डाल देते हैं और हल्का सा एक तरफ सिक जाता है तो हम इसे पलट के दूसरी तरफ भी हल्का हल्का सेक लेते हैं। और उसके ऊपर हम इस पर घी लगा देते हैं। आप चाहे तो घी या ऑयल कुछ भी लगाएं, पर देसी घी लगाने से पराठे का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा पराठा कितना बढ़िया सिका है और कितनी आसानी से हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप इस मावा पराठा की रेसिपी को एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और इसे बच्चे लोग भी बहुत पसंद करते हैं। आप एक बार इस पराठे को बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे।